बात करते हैं जनपद गाजीपुर की और गाजीपुर से संबंधित उस बड़ी घटना की, और बात करेंगे एक और ऐसी घटना की जो उत्तर प्रदेश में घटित हुई है। लेकिन इन सब खबरों को दिखाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें ऐसी ही मिलती रहे। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। मुंबई के मीरा रोड पर स्थित एस कुमार ज्वेलरी शॉप में करीब 1.5 करोड़ की लूट हुई, और उस लूट में जब गाजीपुर का नाम आया तो गाजीपुर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, गाजीपुर के सुहवल थाना क्षेत्र के टाड़ी घाट निवासी शिंटू का नाम इस लूट में सामने आया। टाड़ी घाट निवासी विनय कुमार सिंह उर्फ शिंटू पर करीब 3 हत्या के केस और 10 मुकदमे दर्ज हैं। जुर्म की दुनिया से राजनीति में आने के सपने देख रहा था शिंटू, जिसके लिए उसने मीरा रोड पे स्थित ज्वेलरी शॉप में डकैती तो डाली ही डाली, और बताया ये भी जा रहा है कि उसकी नजर उत्तर प्रदेश के तमाम ज्वेलरी शॉप पर बनी हुई थी। सिंटू को यह पता था कि यदि राजनीति में आना है तो उसके लिए मोटे पैसों की जरूरत है, जिसके लिए उसने डकैती करना शुरू किया और अपनी नजरें भी जमाए रखा। गाजीपुर का मुंबई से कनेक्शन और मुंबई में 1.5 करोड़ की लूट, और ये पूरा माजरा है गाजीपुर के टाड़ी घाट के रहने वाले विनय कुमार सिंह उर्फ सिंटू से जुड़ा हुआ, जिसने मुंबई में 1.5 करोड़ की लूट की। क्या कनेक्शन है और सिंटू का कनेक्शन पॉलिटिक्स से क्या है, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमितेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ये क्या है पूरा माजरा। अभिनय, देखिए, सिंटू ने अपने गांव वालों के बीच ये प्रोजेक्ट किया था कि वो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करता है मुंबई में, और उससे उसको ठीक ठाक आमदनी होती है, क्योंकि उसका जो लाइफस्टाइल था वो उसको वो जस्टिफाई करता था कुछ इस तरीके से अपने ग्रामीणों के बीच। दूसरी अगर बात है तो अभी तत्काल उसका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं था, राजनीति में वो अपने को स्थापित करना चाहता था और उसकी वो शुरुआत आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव से करना चाह रहा था। एक बात तो साफ है कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आपके पास ठीक ठाक आर्थिक हैसियत होनी चाहिए। सिंटू के पास चूंकि पैसे नहीं थे, उसने एक प्लान बनाया कि वो क्राइम के जरिए धन उगाही करेगा या पैसे कमाएगा, और उसका निवेश वो क्राइम से हट करके अपने को राजनीति में स्थापित करने के लिए करेगा। और आप देखिए, अगर इसका थोड़ा सा हम सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस करें, और ये क्रिमिनल अगर हिस्ट्री अगर हम टटोलें काफ़ी सारे ऐसे लोगों का जो कि पूर्वांचल में बहुत स्थापित रहे हैं या क्राइम सिंडिकेट चलाते रहे हैं, तो एक कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा कि पहले क्राइम, उसके बाद पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री। पॉलिटिक्स बहुत ही महफूज कर देती है ऐसे लोगों को जिनकी इतिहास जो है कि वो इस तरह के आपराधिक घटनाओं से जुड़े रहे हैं। तो सिंटू भी कुछ इसी तरह के प्लानिंग में था कि पहले वह चूंकि आर्थिक स्थिति तो ऐसी थी नहीं या ऐसा कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं, तो उसने गिरोह बनाया, गिरोह के साथ उसने मीरा रोड में एक शोरूम में लूट की। और बताया यह भी जा रहा है कि यूपी के तमाम बड़े शहरों में जो स्थापित ज्वेलर्स हैं वो भी इनके पोटेंशियल टारगेट के तौर पर ये देख रहे थे कि भाई यहाँ भी वह कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे गिरोह को लाभ हो। ये अगर सब कुछ अगर हम एक तरीके से देखें तो बिल्कुल एक खास अंदाज में सिंटू काम कर रहा था कि पैसा कमाना, पैसे कमा करके उसको चुनाव में लगाना और चुनाव में लगा करके किसी भी तरीके से चुनाव जीतना, ये उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। सिंटू के ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और 1993 से उसकी अपराध की कहानी शुरू हो रही है। गाजीपुर की बात करें तो 3 हत्याएं और 10 जो है कि आपराधिक मामले दर्ज हैं, कुल 13 मामले तो गाजीपुर में ही हैं। तो सिंटू कोई आउट ऑफ ब्लू ऐसा क्रिमिनल नहीं हुआ है, उसका एक बैकग्राउंड रहा है, और ये एक क्रिमिनल टेंडेंसी है कि एक क्राइम से अगर आप बच जाते हैं तो आप उससे बड़े क्राइम को ऑर्गेनाइज करने की सोचने लगते हैं। सिंटू को लगा होगा कि अब वो वक्त आ गया है कि अब उसे क्राइम के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री लेना चाहिए, और जैसा कि मैंने बताया कि ये बात भी सुनने में आ रही है कि आने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले थे पंचायत के, उसमें वो कंटेस्ट भी करने वाला था। अच्छा, तो ये पूर्वांचल है और पूर्वांचल में इस तरह की अपराध की घटनाएं
आम बात सी हो गई हैं। न्यूज़पेपर पलटिए, मीडिया चैनल्स को देखिए, कहीं ना कहीं से आपको इस तरह की घटनाएं जरूर मिल जाएंगी। और अब गाजीपुर का रहने वाला सिंटू मुंबई में जाके अपराध को अंजाम देता है। एक ऐसी ही घटना घटी अंबेडकर नगर में भी। अंबेडकर नगर में कुछ दिन पहले एक हत्या हुई थी और उस हत्या में जो दो फरार अभियुक्त थे उनको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। अभी थाना क्षेत्र महरुआ में पुलिस मुठभेड़ में दो 50,000 के इनामी बदमाश जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं वो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों बदमाशों को गोली लगी है जिनको तत्काल चिकित्सालय भेज दिया गया है। और ये दोनों जो शातिर अपराधी जो शूटर्स हैं उन्होंने हमारे यहाँ 19 तारीख की रात में महरुआ थाना क्षेत्र में सचिन नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसके ऊपर 4-5 गोलियाँ उन्होंने मारी थी और तब से पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में इनका नाम का खुलासा करके आज इनके साथ मुठभेड़ की है। चेकिंग के दौरान इनके कुछ साथी जो दूसरी मोटरसाइकिल पे थे वो भाग गए हैं। मौके से 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, 2 तमंचे और कई खोखा और कई जिंदा कारतूस इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इसमें से एक जो राजन पासी जो अभियुक्त है इसके ऊपर 12-15 मुकदमे हैं लूट के और तमाम तरह की धाराओं के संगीन धाराओं के मुकदमे हैं। 50,000 रुपये का इनाम भी है। जो दूसरा अभियुक्त है अविनाश उसके ऊपर भी 50,000 रुपये का इनाम है। इसके ऊपर भी कई मुकदमे हैं और ये सुल्तानपुर का रहने वाला है और इन लोगों का काम पेशेवर हत्यारे हैं। जिन लोगों ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था और जिस वजह से घटना की गई थी उस मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। सतर्क रहिए और जागरूक बनिए, देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।